गाइस टू वेब 3 मंत्र। तो कैसे यार आप लोग? तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिडिटी इनहेरिटेंस की, ठीक है। तो इनहेरिटेंस किस लिए यूज़ करते हैं हम सॉलिडिटी में? उसके कॉन्ट्रैक्ट की फंक्शनैलिटी बढ़ाने के लिए। यानी कि बेसिकली अगर मैं कहूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की खासियत होती है इनहेरिटेंस, ठीक है, और सॉलिडिटी में वो है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, एक तो आपको कोड आपका होगा जो वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन होगा इनहेरिटेंस के द्वारा, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आप पूरी, अगर आप कोई बड़ी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि आप एक ही कॉन्ट्रैक्ट में सारी फंक्शनैलिटी रखो, इससे इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, और कोड दिखने में अच्छा भी नहीं लगता। तो सॉलिडिटी का हम इनहेरिटेंस का इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं कोड करके आपको समझाता हूँ, बाकी अगर आपको ये पढ़ना है ये पढ़ लो, ठीक है, मैं कोडिंग करते करते साथ में समझाऊंगा। इसको स्क्रीन पॉज कर लो, इसको एक बार पढ़ लो, फिर कोड करके मैं जो बताऊंगा उससे आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। और एग्जांपल की तो मैंने दे रखा है यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये मैंने नोट्स के लिए एग्जांपल दिया है, क्योंकि मैं अभी बताने वाला हूँ एग्जाम्पल के साथ ही, ठीक है। तो चलते हैं रिमिक्स आईडी में और शुरू करते हैं इनहेरिटेंस सिखाना आपको, ठीक है। रिमिक्स में मैं आ गया हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक जो है कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसका नाम मैंने ए रखा है, ठीक है, और यहाँ से शुरू करता हूँ मैं आपको सिखाना। तो सबसे पहले आपको बेसिक आइडिया मिल जाए कि इनहेरिटेंस होता क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट ए बनाया है, इसमें मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल अपना बनाता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ नम, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं 1 रख दूँगा, ठीक है। इतना आपने देख लिया, ये हो गया। अब क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी बनाते हैं। अब इनहेरिटेंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, वो है इस कीवर्ड, ठीक है। इनहेरिट कैसे करते हैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से, वो इस कीवर्ड के थ्रू। ए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, तो मैंने बी में ए जो है इनहेरिट करा दिया, यानी कि मैं अब ए की फंक्शनैलिटी भी यूज़ कर सकता हूँ अपने बी कॉन्ट्रैक्ट में। और आप सोच रहे होंगे यार, जब हम ए की फाइल में ये चीज़ लिख रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा? ऐसा नहीं है यार, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, लिंक्स के थ्रू भी सॉलिडिटी को इंपोर्ट करा सकते हैं, और आपने एक्स्ट्रा रखे होंगे वो भी, जैसे कि आप अगर रिएक्ट वगैरह यूज़ करते हो तो कंपोनेंट लेवल में आप फाइल्स को डिवाइड करते हो ताकि आपका कोड काफ़ी अच्छे से रहे, ठीक है। इसी तरह इनहेरिट करते हैं हम, यानी इनहेरिटेंस का इसलिए यूज़ होता है कि मैं चाहूँ, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ए काफ़ी बड़ा है मेरा, तो मैं इसको अलग फाइल में रख सकता हूँ और सिंपली इंपोर्ट करा दूँगा। इंपोर्ट कैसे कराते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा, पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है, किस लिए हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया, उसमें मैंने इज ए कर दिया, यानी कि ये ए जो है इनहेरिट हो चुका है बी में, ठीक है। तो अभी बी में मैंने कुछ नहीं लिखा है, लेकिन अगर मैं इसमें एक फंक्शन बनाऊँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, गेट वैल मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसको मैं पब्लिक दूंगा और व्यू इसको दूंगा, और ये रिटर्न कराएगा हमारे पास से एक यूनिट, ठीक है। एक सेकेंड, तो ये हमको यूनिट रिटर्न कराएगा। अब मैं रिटर्न कीवर्ड देता हूँ, अब मैं यहाँ पे नम पास कर दूँगा। अभी आप देखो, अभी तक आपने देखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है नम नाम का कॉन्ट्रैक्ट बी में, लेकिन ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे डिप्लॉय करूँ, ए को नहीं, मुझे बी को डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। पहले मैं इस इंस्टेंस को डिलीट कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ से बी को डिप्लॉय करता हूँ। तो मैं बी को डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। तो आपको ये अलग अलग डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो मेन होगा जो कि बी है, जिसमें एक ही फंक्शनैलिटी भी है, आपको खाली इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है, ये याद रखना। और यहाँ पे देखो, मुझे दो जो है फंक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। इसको मैंने पब्लिक दिया है, इसलिए मुझे बी में भी नम मिल रहा है, और देखो मैंने कॉन्ट्रैक्ट बी में कुछ डिफाइन भी नहीं किया है नम नाम का, लेकिन ये फिर भी मुझे नम दे देगा। क्यों? क्योंकि मैं इसकी फंक्शनैलिटी यूज़ कर रहा हूँ बी के पास, ठीक है, ए की फंक्शनैलिटी। और यही चीज़ वैलिड है हमारे फंक्शंस के लिए भी, ठीक है। मॉडिफायर्स कुछ भी आपने डिक्लेयर किया, पर वो डिपेंड करता है उसकी विजिबिलिटी, उसकी स्कोप में, ठीक है। आपको मैंने स्कोप समझाए थे, ठीक है, यू इंट पब्लिक नम इसको डिवन, इसको मैंने पब्लिक दिया, इसलिए अगर इसको मैं प्राइवेट कर दूँ तो मेरा एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको, मैंने इसको प्राइवेट कर दिया है, तो अभी देखो मेरा एरर आ चुका है कंपाइलर के थ्रू कि ये नम जो है वो डिक्लेयर ही नहीं है यार, क्योंकि अब मैंने इसको प्राइवेट कर दिया है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसकी फंक्शनैलिटी यूज़ नहीं कर पाएगा वो प्राइवेट की, ठीक है। तो आप याद रखना, जो हमारे स्टेट वेरिएबल रहते हैं उनके लिए पब्लिक इंटरनल
वो खाली हम इसी को कॉल करा पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट व्यू में, ठीक है। यानी कि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, उसमें हम जो है इन बाकी कॉन्ट्रैक्ट की फंक्शनैलिटी में अगर स्टेट वेरिएबल की बात करेंगे तो खाली पब्लिक और जो इंटरनल होते हैं, ठीक है, तो इसको इंटरनल में लिया जाता है। लेकिन अगर मैंने इसको प्राइवेट कर दिया तो ये खाली ए कॉन्ट्रैक्ट में ही कॉल हो सकेंगे, बाकी किसी में, इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं, ठीक है। और यही चीज़ अगर मैं फंक्शन के लिए लिखूँ, ठीक है, अगर मैं फंक्शन के लिए यही चीज़ बोलूँ तो फंक्शंस के लिए आप एक्सटर्नल, पब्लिक और इंटरनल जो है, ठीक है, इन तीनों के थ्रू आप फंक्शन कॉल पर कर पाओगे, ठीक है। तो यही था यार इसमें। तो देखो हमारे स्टेट वेरिएबल में जो है एक्सटर्नल नहीं होता है, इसमें खाली इंटरनल, पब्लिक और प्राइवेट, लेकिन फंक्शन में एक्सटर्नल भी होता है। तो एक्सटर्नल अगर होगा तो डेफिनेटली आप कॉल करा ही पाओगे। बस ये समझना जो प्राइवेट नॉन प्राइवेट फंक्शंस रहते हैं, फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स, उनको हम कॉल करा सकते हैं अपने इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है, मैंने बता दिया आपको कि आप इसकी फंक्शनैलिटी कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं एक और चीज़ इसमें करते हैं, तो यहाँ पे मैं नम की जो है इनिशियल वैल्यू हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको क्या प्राइवेट की जगह पब्लिक ही रहने देता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं इंटरनल भी लिखूँ तो ये मेरे को एरर नहीं देगा, क्योंकि इनहेरिटेड में इंटरनल काम करता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे पब्लिक ही देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया होता और कंस्ट्रक्टर में मैं एक वेरिएबल ले रहा होता, ठीक है, अगर मैं कंस्ट्रक्टर में एक वेरिएबल ले रहा होता और इसको मैं नम इज इक्वल टू अंडरस्कोर नम, ठीक है, तो मैं पैरामीटर ले रहा हूँ अपने कंस्ट्रक्टर में, तो इसने मुझे एरर थ्रो कर दिया है, क्योंकि हम डायरेक्ट वो नहीं कर सकते। हम ए को अगर इनहेरिट कर रहे हैं तो उसको वो भी तो चाहिए ना कि यार उसके कंस्ट्रक्टर में डालने पर डालना पड़ेगा, ठीक है, बिना उसके वो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियलाइज नहीं होगा। तो इसके दो तरीके हैं यार, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आपको अगर देना है इसमें दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्टली यहाँ पे दे दो, यहाँ पे मैं अगर फोर वैल्यू देता हूँ तो देखो मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और ये मैं डिप्लॉय करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि इतना आप समझ गए होंगे कि जैसे ही मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कॉल कराऊंगा, कॉल नहीं डिप्लॉय करूँगा, तो नम जो है मेरे उसमें फोर हो जाएगा, ठीक है, उसमें फोर असाइन हो जाएगा। एक ये तरीका है, और दूसरा है आपने कहीं देखा होगा कंस्ट्रक्टर लिखा होगा, ठीक है, और उसके बाद ए आपको ऐसा लिखना है और यहाँ पे इसको करा देना है। अब ए में क्या दूंगा मैं, ए में मैं फोर दे दूंगा यहाँ। और दूसरा ये तरीका था, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने यार अगर ओपन जेपलिन वगैरह के किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट देखे हैं तो इन सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो आप कन्फ्यूज़ मत होएगा, मैंने आपको समझा दिया, आई होप अब आप समझ गए होंगे। और बहुत कुछ है, ठीक है, और अगर आपने ये देखा होगा आपको अब समझ आ गया होगा कि क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे भी मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ कि आपने किसी और के कॉन्ट्रैक्ट देखे होंगे, आपको समझ नहीं आया यार क्या चीज़ है, ठीक है। तो यही इसीलिए मैं सॉल्विटी का कोड से डाला है, ताकि मैं आपको ए टू जेड सारी चीज़ें बता पाऊँ। तो यार इतना हमने देख लिया है कि कंस्ट्रक्टर होगा तो ऐसे होगा, ठीक है। तीसरी चीज़, ये तो हमने सिंगल इनहेरिटेंस की बात की, ठीक है, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ आपको इम्पोर्ट दिखा देता हूँ कि इम्पोर्ट हम कैसे करते हैं। तो मैं आता था यहाँ पे, ठीक है, अपनी फाइल्स में मैंने एक देखो काफ़ी सारी सॉलिडिटी की फाइल बनाई है, इसमें जो एक है हैश डॉट एस ओ एल, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं इसे यहाँ पे इम्पोर्ट कराता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे लोकल उसमें है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, सिंपली इम्पोर्ट कीवर्ड लिखूँगा और इसके अंदर मैं हैश डॉट एस ओ एल डाल दूँगा और इसे सेमी कोलन दे दूँगा, ठीक है। तो देखो मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बी दिया है, ठीक है, इसको क्या करता हूँ अभी मैं कंस्ट्रक्टर हटा देता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे कंस्ट्रक्टर नहीं है, मुझे एरर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसे मैं ठीक है, ये बढ़िया है, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं कमांड आउट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से ए को हटा के एक ही जगह मैं हैश डॉट एस एल मैंने वो किया है, ठीक है। आप एक चीज़ याद रखना, आप जो है देखो यहाँ पे हैश नहीं रख सकते, जैसे कि मैंने हैश डॉट एस एल फाइल इंपोर्ट कराई, अगर आप इनहेरिटेंस की जगह में हैश लिखोगे तो आपको अभी भी एरर आएगा, क्यों, क्योंकि हैश तो हमारी फाइल का नाम है यार, सॉलिडिटी फाइल का, लेकिन जो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम मैंने असल में रखा हैश फंक्शंस, ठीक है। तो एक सेकेंड, तो ये चीज़ याद रखना है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा ना उसको पास करना है यहाँ पे इसके आगे, ठीक है। तो इंपोर्ट भी हमने करा लिया, ऐसे आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली एक ये तो मैंने लोकल उससे उठाई है, ठीक है, एक काम करते हैं गिटहब में चलते हैं और
ठीक यार, क्या करते हैं, ओपन जैपलिन कॉन्ट्रैक्ट्स या कोई भी। ओ यार, सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स गिटहब। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई सभी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको देखो कितनी अच्छी चीज़ है। आप दूसरों के कॉन्ट्रैक्ट या अपने ही कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस मैंने जब आपको स्कोप समझाए थे, ठीक है, स्टेट वेरिएबल के स्कोप समझाए थे, उसमें भी मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी मैं और डीप में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यार इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, तो एक काम करते हैं, ओपन जेपलिन में यहाँ पे लिख देता हूँ, और इनका जो है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है इनिशियलाइज़ कराता, इनिशियलाइज़ नहीं, इम्पोर्ट, सॉरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स में जाता हूँ, और क्या करते हैं, एक काम करते हैं, किसी टोकन का कॉन्ट्रैक्ट उठा लेते हैं यार। तो ERC-20 का मैं लेता हूँ, और यहाँ पे जो मुझे जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ना मांग रहा हो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मैं लूँगा। ठीक है, तो हाँ, तो ये ठीक है यार मेरा, है ना, ये मेरा जो है कॉन्ट्रैक्ट ERC-20 इसका नाम है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले तो इसका लिंक मैं कॉपी करूँगा, ठीक है, इसका लिंक मैं कॉपी करूँगा, और मैं रिमिक्स में आ जाऊँगा अपने, और यहाँ पे सिंपली वही चीज़ करके और आपको लिंक पास कर देना है। ठीक है, और इसको सेमी कोलन से बंद कर देना है। तो देखो मेरा जो है, ओहो, काफ़ी सारी फाइल जनरेट होनी शुरू हो गई है, तो देखो मेरा कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। अब मैं हैश फंक्शन हटा के जो है मैं यहाँ पे ERC-20 भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा कॉन्टैक्ट मैंने इंपोर्ट करा है, तो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। एरर क्या है, कॉन्टैक्ट बी शुड बी मार्क एज एब्स्ट्रैक्ट। ओके, तो यार ये एब्स्ट्रैक्ट वाली कहानी दूसरी है, ठीक है, इसको मैं आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा, क्योंकि ये अभी आपको सारा नहीं समझा सकता। तो यार ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था नहीं, एक काम करता हूँ मैं, जो मेरी रिपोजिटरीज हैं उसी से मैं एक कॉन्ट्रैक्ट उठा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, और आपने चेक नहीं किया प्रोजेक्ट ज़रूर चेक कर लेना, और उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो मैंने सॉलिडिटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं उसको प्रैक्टिस करना, उसको देखना मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, तो काफ़ी मज़ा आएगा आपको। प्लेलिस्ट में जाना, चैनल में सर्च कर लेना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे आपको, फंड रेजर जो मैंने डैप बनाया। ठीक है, तो ये देखो एक कैंपेन फैक्ट्री नाम का, इसमें एक काम करते हैं, इसे ही मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी जगह मैं, तो इंपोर्ट हमारा ये वाला भी हो चुका है, इसको भी करा लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे फिर से इसे भी मैं इंपोर्ट करा दूंगा। अब यहाँ पे ठीक है, ERC-20 की जगह अगर मैं यहाँ पे दूँ, कैंपेन फैक्ट्री था ना मेरा उसका नाम, कैंपेन फैक्ट्री, तो वेट करके देखो, अभी मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब देखो हमारी बीम है ना, अगर मैं इसे डिप्लॉय करूँ, तो इम्पोर्ट का मैं समझ गया था, इम्पोर्ट से भी देखो इम्पोर्ट आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, लोकल वैल्यू मैंने आपको बता दिया, लिंक्स के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे देखो जनरेट पास, ठीक है, ये मेरा उसका कॉन्ट्रैक्ट है यार, ये आई थिंक मैंने दूसरा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है, हाँ मैंने हैश जो है वो करा दिया यार, मेरे को बी करना है। ठीक है, तो मैं इसको डिप्लॉय करता हूँ, जो बी मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे देखो मुझे जो मैंने अभी इंपोर्ट कराया ना, उसकी फंक्शनैलिटी मिल चुकी है, क्रिएट कैंपेन, डिप्लॉय कैंपेन। तो यही था, इंपोर्ट का भी आप समझ गए होंगे। अब जो लास्ट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इनहेरिटेंस में, वो है सॉलिडिटी में सिंगल नहीं मल्टीपल इनहेरिटेंस भी होता है। ठीक है, तो कैसे, क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैंपेन फैक्ट्री दिया, इसकी जगह मैं यहाँ पे ए भी दूंगा कॉमा करके, तो ये मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, अब ये है कि मैं दोनों की फंक्शनैलिटी जो है यूज़ कर पाऊँगा। ठीक है, तो यही था इसमें, तो ठीक है यार, अब क्या होगा, मैं जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट है उनकी फंक्शनैलिटी यूज़ कर पाऊँगा। अगर देखो एक और चीज़ है, अगर दोनों में कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता ना, तो आप सबसे आसान तरीका है, यहीं पे आप इनको, अगर कंस्ट्रक्टर है यहीं पे इनकी वैल्यू दे दो। ठीक है ना, काफ़ी आसान तरीका है और काफ़ी अच्छा। अगर जो मैंने दूसरा तरीका बताया कंस्ट्रक्टर करके, उसमें भी आप दे सकते हो, उसमें आपको सिंपली स्पेस करके इसको भी वो पास कर देना है, जो जितने पैरामीटर ले रहा होगा आर्ग्यूमेंट आपको पास कर देना है, और कैंपेन फैक्ट्री में भी अगर कंस्ट्रक्टर हो तो। ठीक है, तो अगर मैं इसे वापस से डिप्लॉय करूँ, अभी देखो हमारे पास खाली दो फंक्शन थे, तो मेरे पास जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस में तीनों के फंक्शन आ चुके हैं, नम भी मेरे पास आ चुका है, वो दोनों भी। ठीक है, तो इनहेरिटेंस काफ़ी कमाल की चीज़ है यार, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। ठीक है, तो यही था इसमें, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।